छात्रवाद E304 इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग के चैप्टर फर्स्ट ट्रांसफार्मर डिजाइन के न्यूमेरिकल्स का आज अध्ययन करेंगे। न्यूमेरिकल इससे पहले आप चार न्यूमेरिकल्स का अध्ययन कर चुके हैं। न्यूमेरिकल फाइव हैं कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट ओवरऑल डायमेंशंस फॉर ए 200 kVA 6600 ऑब्लिक 40 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। द फॉलोइंग डाटा मे बी एज्यूम EMF पर टर्न इक्वल टू 10 वोल्ट। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज 1.3 Wb/m² करंट डेंसिटी 2.5 A/mm² विंडो स्पेस फैक्टर इज 0.3 ओवर ऑल हाइट इक्वल टू ओवर ऑल विड्थ स्टैकिंग फैक्टर इक्वल टू 0.9 यूज अ 3 स्टेप कोर इज 3 स्टेप्ड विड्थ ऑफ लार्जेस्ट स्टैम्पिंग इक्वल टू है 0.9 D एंड नेट आयरन एरिया है 0.6 D² वह डी इज द डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। तो सॉल्व करते करने से पहले आप इनको सिंबल्स के रूप में इनकी वैल्यूज रख लेंगे, अर्थात ये देखेंगे कि कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं, अर्थात गिवन डाटा को आप लिख लेंगे। जैसे आउटपुट दिया हुआ है क्यू इक्वल टू 200 kVA, प्राइमरी फेज वोल्टेज दिया हुआ है 6600 वोल्ट, सेकेंडरी वोल्टेज दिया हुआ है 440 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ईटी है 10 वोल्ट, बीएम है 1.3 Wb/m², डेल्टा करंट डेंसिटी है 2.5 A/mm², kW है विंडो स्पेस फैक्टर 0.3 और ओवरऑल हाइट इक्वल टू ओवरऑल विड्थ दी हुई है, स्टैकिंग फैक्टर केस इक्वल टू 0.9 है, लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज है 0.9 D और नेट कोर एरिया है EI इक्वल टू 0.6 D² और यह ये भी देख लेंगे कि ट्रांसफार्मर किस टाइप का है, 3 फेज है और कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। हम नेट आयरन एरिया निकालेंगे पहले, क्योंकि ET इक्वल टू दिया हुआ है, ET की इक्वेशन होते हैं 4.44 F BM AI। तो यहाँ से आप AI ज्ञात करेंगे ET अपॉन 4.44 F BM। ET की वैल्यू 10 वोल्ट रख लेंगे और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और BM की वैल्यू पुट कर देंगे। नेट को आयरन एरिया आएगा 0.0347 m². अब डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, तो आपको जो इक्वेशन दी हुई थी गिवन डाटा था AI कट टू 0.6 D², उससे आप D की वैल्यू निकालेंगे तो D कट टू हो जाएगा अंडर रूट AI अपॉन 0.6। तो AI दिया हुआ है 0.0347 और ऑब्लिक 0.6, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आएगी वैल्यू 0.24 m। एंड विड्थ ऑफ लार्जेस्ट स्टैम्पिंग दी हुई है, ये इक्वल टू 0.9 D दिया हुआ है, तो यहाँ D की वैल्यू पुट करेंगे तो 0.216 m। यूजिंग अ 3 स्टेप सेक्शन फॉर द कोर फॉर द योग, योग भी स्टेप्ड 3 स्टेप्ड हैं, कोर भी 3 स्टेप्ड ली गई हैं, तो उस स्थिति में हाइट ऑफ योक HY इक्वल टू 0.216 HY हाइट ऑफ योक भी लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज के बराबर होगी और डेप्थ ऑफ योक भी लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज के बराबर होगी, अर्थात HY इक्वल टू ये इक्वल टू 0.216 m और DY इक्वल टू 0.216 m। आप 3 फेज
ट्रांसफार्मर के आउटपुट इक्वेशन जानते हो, क्यू इक्वल टू 3.33 एफ बी एम के डब्ल्यू ए डब्ल्यू डेल्टा इंटू ए आई इंटू 10^-3। ये इसके आउटपुट इक्वेशन हैं थ्री पे ट्रांसफार्मर के लिए। अब यहाँ जो भी डाटा दिए हुए हैं पुट कर देंगे, जैसे क्यू की वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बी एम की वैल्यू दी हुई है, के डब्ल्यू की वैल्यू भी दी हुई है, डेल्टा दी हुए हैं। डेल्टा में ये ध्यान रखेंगे कि 2.5 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर हैं, तो इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा की 2.5 × 10^6। ईआई की वैल्यू पुट कर देंगे, केवल यहाँ आप देख रहे हैं कि ए डब्ल्यू की वैल्यू ही अननोन है। तो यहाँ से आप विंडो एरिया ए डब्ल्यू ज्ञात कर लेंगे, और विंडो एरिया इक्वल टू होता है ए डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो यहाँ से इनकी वैल्यू पुट की हुई हैं। अब यहाँ देखेंगे कि ओवरऑल हाइट इक्वल टू ओवरऑल विड्थ हैं, तो एच इक्वल टू होता है ए डब्ल्यू प्लस 2hy। ए डब्ल्यू एच वाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आएगी एक कैपिटल एच इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस 0.432। इसी तरह डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल टू होता है 2d प्लस ए, तो यहाँ d इक्वल टू होता है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डी। वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस 0.48 प्लस 0.216, यहाँ 2d कर देंगे तो 2d की वैल्यू आ जाएगी 0.48। इसी तरह ए की वैल्यू पुट करेंगे 0.216, तो ये कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू आ गया 2 डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस 0.696। ये दोनों इक्वल हैं जैसा कि दिया हुआ है, तो इनको इक्वल कर देंगे दोनों इक्वेशंस को। तो यहाँ देखेंगे कि ए डब्ल्यू इक्वल टू इसको उधर ले जाएंगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस 0.264। अब आप जानते हैं कि ए डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू जो कि विंडो एरिया है जो निकाला गया है वो दिया हुआ है 0.0355। यहाँ पर आप डब्ल्यू डब्ल्यू तो वैसे वैसे रखेंगे और यहाँ से इस इक्वेशन में ए डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती हैं 2 डब्ल्यू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 0.264 डब्ल्यू डब्ल्यू माइनस 0.0355 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे कौन से फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है उससे आप सोल्व करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी ये आएगी 0.083। एक वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू जो आएगी वो होगी 0.083 मीटर। यहाँ से आप इस इक्वेशन में ए डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ए डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी 0.0355 upon 0.083 = 0.428 meter। तो इस तरह आपने विड्थ ऑफ विंडो और हाइट ऑफ विंडो ज्ञात कर ली है। नेक्स्ट इन डायमेंशंस कोर आर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट कोर सेंटर्स, डी की वैल्यू होती है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डी। तो ये डी की डब्ल्यू डब्ल्यू और स्मॉल डी की वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू तो है 0.083 और स्मॉल डी की वैल्यू है 0.24, तो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.83 तो है ही चाहिए 24 और 0.83 है, तो 0.83 में 0.24 जोड़ेंगे तो 0.323 वैल्यू आएगी कैपिटल डी इक्वल टू। इसी तरह ओवरऑल हाइट इक्वल टू कैपिटल एच इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस 2hy होता है, तो ए डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे 0.28
और इसी तरह 2HY जो लार्जेस्ट स्टैंपिंग साइज निकाली थी उसको डबल कर देंगे, तो ये इसको देखेंगे आप, लार्जेस्ट स्टैंपिंग साइज जो निकाली थी वो है 0.216 को यहाँ रखेंगे, डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके और ये W की वैल्यू पुट करेंगे तो सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.86 मीटर। इसी तरह ओवरऑल विड्थ W 2D प्लस ये होता है, तो यहाँ D और ये की वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.862 मीटर। इस तरह आप ट्रांसफार्मर की ओवरऑल डायमेंशंस आप ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल 6। डिटरमाइन दी मेन डायमेंशंस ऑफ द कोर, द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द कोर क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स फॉर 5 KVA 11,400 volt 50 Hz सिंगल फेज कोर टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। द नेट कोर कंडक्टर एरिया इन द विंडो इज 0.6 टाइम्स द नेट क्रॉस सेक्शन ऑफ आयरन इन द कोर। फॉलोइंग डाटा में भी एज्यूम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर इज 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी 1.4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर, विंडो स्पेस फैक्टर 0.2, द हाइट ऑफ विंडो इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। तो पहले मैंने बताया गिवन डाटा लिख लेंगे, Q=5 kVA, VP=11,000 volt, सेकेंडरी वोल्टेज पर फेज है 400 volt, पर 50 Hz, डेल्टा 1.4 एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसको एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.4 × 10^6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। KW=0.2 विंडो स्पेस फैक्टर, AC कंडक्टर एरिया इन विंडो =0.6 AI, BM=1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर, AW दिया है 3 WW और कोर है स्क्वायर कोर, इसमें कहीं लिख रखा होगा डिटरमाइन मेन डायमेंशन कोर डायमेंशन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर सिंगल फेज कोर टाइप द नेट क्रॉस मैक्सिमम करंट डेंसिटी। तो यहाँ कोर जो ली है वह स्क्वायर कोर लेनी है, इस क्वेश्चन ने नहीं लिखा है, रह गया लिखने से, लेकिन इसमें यह मान के चलना है कि कोर स्क्वायर कोर है, लिखेगा जब भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें ये चीज़ लिखी जाएगी कि कोर किस टाइप के, स्टेप्ड कोर है स्क्वायर कोर है, तो हमने यहाँ पर कोर को लिया स्क्वायर कोर सिंगल पेज कोर टाइप। अब गिवन डाटा दिए हुए हैं, AC=, होता है आप जानते हो KW AW होता है, कंडक्टर एरिया इन विंडो इक्वल टू होता है KW AW। नेट कंडक्टर एरिया मतलब ये सी दिया हुआ है, AC=GR 0.6 × नेट आयरन एरिया ये दिया हुआ है, तो नेट कंडक्टर एरिया की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे KW AW यहाँ रख दिया और इक्वल टू है 0.6 × AI। तो यहाँ से आप AW की वैल्यू निकाल सकते हैं, AW होगा 0.6 / KW AI, अर्थात ये AI के रूप में ही वैल्यू आएगी, तो AW हो जाएगा 3 AI। अब सिंगल फेज कोर टाइप की आउटपुट जो इक्वेशन होती है वो होती हैं 2.22 FBm kW delta AW AI × 10^-3। सब वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो क्योंकि वैल्यू दी हुई है ये फ्रिक्वेंसी BM kW delta AW के हमने ज्ञात कर ली, AI को ऐसे कैसे रख देंगे आप, तो ये इस तरह पुट करेंगे आप सब वैल्यू। मैंने पहले बताया था डेल्टा की वैल्यू 1.4 × 10^6 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे, आउटपुट इक्वेशन में हमेशा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में रखेंगे, जबकि वैल्यू जो न्यूमेरिकल्स में है वह एम्पियर पर मिलीमीटर स्क्वायर में दी हुई होती हैं। ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ AI² हो गया, अर्थात AI² = 5/ ये वैल्यू का जो है सबका भाग दे देंगे, तो इसको सॉल्व करने पर कैलकुलेटर से आप AI की वैल्यू ज्ञात करेंगे
तो ये आई इक्वल टू आएगा 0.00732 मीटर स्क्वायर। ग्रोस कोर ग्रोस आयरन एरिया, तो आप जानते हो कि ए आई इक्वल टू होता है के एस इंटू ए जी आई। ए आई का फॉर्मूला आता है स्टेकिंग फैक्टर इंटू ए जी आई। तो यहाँ से आप ए जी आई निकाल सकते हैं, ए जी आई इक्वल टू होगा 0. ए आई दिया हुआ है, ए आई हमने ज्ञात कर लिया, ए आई की वैल्यू पुट करेंगे और के एस स्टेकिंग फैक्टर दिया हुआ 0.9 और सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00814 मीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर कोर के लिए ए जी आई इक्वल टू होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, विड्थ ऑफ कोर इसका रूट ले लेंगे क्योंकि ए जी आई हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0.09 मीटर। अर्थात ग्रोस आयरन एरिया प्रोवाइडेड हो गया ए जी आई इक्वल टू 0.00081 मीटर स्क्वायर। इसे नेट आयरन एरिया प्रोवाइडेड निकाल सकते हैं, ए आई इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, के एस दिया हुआ है, ए जी आई हमने ज्ञात कर लिया, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.00729 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है विंडो एरिया, तो विंडो एरिया ए डब्ल्यू इक्वल टू होता है 3 × AW, ये दिया हुआ है ए डब्ल्यू का 3 AW इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ से देखेंगे ये जो हमने फॉर्मूला किया था ए डब्ल्यू इक्वल टू 3 AI, यहाँ सोल्व किया था 3 AI, तो यहाँ वैल्यू ए आई की पुट करेंगे तो ए डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 0.02187 मीटर इसका है। अब ये दिया हुआ है हाइट ऑफ विंडो इक्वल टू ए डब्ल्यू इक्वल टू 3 WW दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप जानते हैं चूँकि ए डब्ल्यू WW इक्वल टू होता है ए डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और ए डब्ल्यू की वैल्यू भी हमने 3 WW रख दी, तो ये हो जाएगा 3 WW इसका इक्वल टू 0.02187। सॉल्व करेंगे इसको तो ये WW की वैल्यू आ जाएगी 0.085 मीटर। हाइट ऑफ विंडो निकल जाएगी यहाँ पर इस फॉर्मूले में WW की वैल्यू करेंगे तो ए डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 3 × 0.085 अर्थात 0.255 मीटर। द योक है द सेम ग्रोस एरिया इज द कोर, ग्रोस एरिया ऑफ ए योक हो जाएगा ए वाई इक्वल टू मतलब कोर एरिया के बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा 0.081 मीटर स्क्वायर। डेप्थ ऑफ योक डी वाई इक्वल टू होगा ये लार्जेस्ट स्टैम्पिंग साइज ये इक्वल टू आया 0.09 मीटर, तो हाइट ऑफ योक हो जाएगा क्योंकि ए वाई इक्वल टू होता है डी वाई एच वाई, तो ए वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 0.081 और यहाँ इसको वैल्यू करेंगे पुट 0.09 तो ये आएगा 0.09 मीटर। नेक्स्ट आप जानते हो फ्लक्स होता है बी एम इंटू ए आई, फ्लक्स वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो ये आएगी 7.29 × 10⁻³ वेबर। वोल्टेज पर टर्न ज्ञात करना है ई टी इक्वल टू 4.44 f φm, यहाँ φm की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी वोल्ट पर टर्न 1.625 वोल्ट आ जाएगा। अब निकालना है प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी टर्न्स निकाल प्राइमरी वोल्टेज में आप जानते को N1/N2 होता है E1/E2, तो उस फॉर्मूले से यहाँ प्राइमरी टर्न्स इक्वल टू हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी टर्न्स। तो ये प्राइमरी वोल्टेज 1100 है और सेकेंडरी वोल्टेज 400, सेकेंडरी टर्न्स आए ये निकालेंगे। सेकेंडरी टर्न्स को निकालने का तरीका, पहले सर्वप्रथम लो वोल्टेज साइड के टर्न्स निकाले जाते हैं ताकि द टर्न्स ऑफ द लो वोल्टेज शुड बी कैलकुलेट फर्स्ट एंड डेट ऑफ हाई वोल्टेज आफ्टर वार्ड बाई यूजिंग द वोल्टेज रेशो। तो सेकेंडरी टर्न्स ज्ञात किए हमने, सेकेंडरी वोल्टेज 400 है, उसमें वोल्टेज पर टर्न का भाग दिया तो ये 2.46 वोल्ट आ गया। इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्राइमरी टर्न्स आ जाएंगे 6.76 इनको हमेशा राउंड फिगर में लेंगे, पॉइंट टू में नहीं ले जाते हैं टर्न्स, ये ध्यान रखना है आपको विशेष तौर से
जे 0.5 से ज़्यादा वैल्यू आते हैं तो ऊपर की वैल्यू रखेंगे, जैसे कि 245.6 आते उसी स्थिति मैंने 2.46 लिया। इसी तरह यदि 0.5 से कुछ वैल्यू कम आते तो नीचे वाली वैल्यू ली जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स राउंड नंबर में आएंगे, ये विषय ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट ज्ञात करना है। तो प्राइमरी वाइंडिंग करंट वोल्ट केवीए कैपेसिटी दी हुई है, अर्थात वोल्ट एम्पियर हो जाएगा 5000, उसमें वोल्ट का भाग दे देंगे प्राइमरी वोल्टेज का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.455 एम्पियर। एरिया वो प्राइमरी वाइंडिंग कंडक्टर एपी इक्वल टू होगा आईपी अपॉन डेल्टा, तो हमने आईपी ज्ञात करना, डेल्टा दिया हुआ है तो ये वैल्यू मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी प्राइमरी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। यूजिंग सर्कुलर कंडक्टर डायमीटर ऑफ प्राइमरी कंडक्टर, उसका डायमीटर भी आप ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो एरिया होता है एपी इक्वल टू होगा π/4d² तो उससे आप उस फॉर्मूले से ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ प्राइमरी कंडक्टर आ जाएगा 0.642 मीटर। सेकेंडरी वाइंडिंग करंट जो केवीए हैं वह दोनों साइड सेम ली जाती हैं, तो केवीए रेटिंग है 5000, उसमें सेकेंडरी वोल्टेज का भाग दिया तो 12.5 एम्पीयर आएगी। 12.5 एम्पीयर में डेल्टा का वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.93 मिलीमीटर स्क्वायर, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया आया 8.93 मीटर स्क्वायर। ओवरऑल डायमेंशन ज्ञात कर लेंगे, डिस्टेंस बिटवीन कोर्ड सेंटर डी, तो सिंगल फेज में होता है WW+A, तो दोनों की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है और पुट कर देंगे तो कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी 0.175 मीटर। लेंथ ऑफ फ्रेम मतलब WD+A ये होता है 0.175 + 0.09, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.265 मीटर। हाइट ऑफ फ्रेम हो जाएगी, इसको लेंथ ऑफ फ्रेम या विड्थ ऑफ फ्रेम भी कहते हैं, इसी तरह हाइट ऑफ फ्रेम HW इक्वल टू होता है HW+2HY, तो ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल एच की वैल्यू आएगी 0.435 मीटर। इस तरह आप ये सबसे अच्छा न्यूमेरिकल है, इससे बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आ सकता है, तो इस न्यूमेरिकल की आपको विशेष प्रैक्टिस करनी है बार बार, ताकि कैसा भी न्यूमेरिकल आए आपके एग्जाम में आप उसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू।